Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I hope you all are fine and safe at home. Once again, I welcome you all in Hussaini Public High School YouTube classes. Today we are going to start our unit 2. So the second topic of unit 2 is people who help us, which is lesson number 3 of your SSC textbook. तो बच्चों आपको यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो है स्कूल इज फन. यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, पैकिंग द स्कूल बैग, व्हाट वी डू इन स्कूल, स्पेशल डेज इन स्कूल. तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे पैकिंग द स्कूल बैग. आपको सबको पता है कि जब मार्च में स्कूल खुले थे हर एक बच्चा एक्साइटेड था स्कूल आने के लिए. तो आप लोग जब स्कूल आते हो सबसे पहले आप क्या क्या प्रिपरेशन करते हो स्कूल आने के लिए. तो पैकिंग द स्कूल बैग, स्कूल आने के लिए आप अगर आपको सेकेंड डे फॉर एग्जाम्पल आज आपको स्कूल आना है तो आप शाम को ही अपने जो बैग्स होते हैं वो पैक करते हैं, अपनी बुक्स भरते हो. आपको स्कूल में कौन कौन सा टाइम टेबल होता है उसी के अकॉर्डिंग आप स्कूल में जो स्कूल बैग में बुक्स होती है वो आप स्कूल बैग में रखते हो. उसके बाद सुबह सवेरे आप उठते हो और आप अपना जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपका टिफिन बॉक्स तैयार करते हैं, फिर आपको स्कूल ड्रॉप करते हैं. तो जब आप स्कूल आते हो आप बहुत ही एक्साइटेड होते हो स्कूल आने के लिए. तो ये आप जो तैयारी होती है वो आप पहले से ही करते हो. तो सबसे पहला पॉइंट जो था पैकिंग द स्कूल बैग, आप किस तरह से स्कूल की तैयारी करते हो. उसके बाद जब आपको स्कूल आपके पेरेंट्स जब आपको स्कूल ड्रॉप करते हैं या आप स्कूल बस में आते हो, नंबर सेकेंड पॉइंट जो है व्हाट वी डू इन द स्कूल. आप जब स्कूल आते हो तो आप स्कूल में क्या करते हो. तो बच्चों जब आप सुबह सवेरे स्कूल आते हो सबसे पहले जो आपकी टीचर होती है, स्कूल आते ही आपको चेकिंग होती है, आपकी साफ सफाई को हम चेक करते हैं. उसके बाद आप अपने अपने क्लासरूम में जाते हो. क्लासरूम में जाने के बाद आपको टीचर असेंबल करता है स्कूल प्लेग्राउंड में, जहां पे आपको सुबह मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट होती है. तो मॉर्निंग असेंबली से आप सुबह का जो दिन है वो अपना दिन स्टार्ट करते हो. हर एक बच्चा जो है वो असेंबल होता है मॉर्निंग असेंबली के लिए. उसके बाद आप अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस में जाते हो. उसके बाद क्या होता है, आपको हर एक क्लास में पीरियड्स होते हैं और हर एक पीरियड में आपको कंसर्न टीचर आता है जो आपको कंसर्न क्लासेस पढ़ाती है. तो आप स्कूल आते हो सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आप स्कूल आते हो. आप स्कूल में खेलते हो, आप स्कूल में अच्छे अच्छे मैनर्स सीखते हो और आपको टाइम टू टाइम स्कूल में ब्रेक्स होती है. जैसे आपको लंच ब्रेक होती है, आपको एक और ब्रेक होती है जिसमें आप स्नैक्स वगैरह खाते हो. वो स्नैक्स आप खाते हो जैसे हेल्दी स्नैक्स होती है, किसी ने बिस्किट वगैरह लाया होता है, किसी ने अंडे लाए होते हैं या कुछ भी होता है, तो उसके लिए आपको टीचर जो है ब्रेक्स प्रोवाइड करती है. तो आप यही सब कुछ स्कूल में करते हो, पढ़ाई करते हो, लंच करते हो, मॉर्निंग असेंबली होती है. तो आप अपना दिन जो है इसी तरह से आप मतलब गुजारते हो. तो उसी को हम कहते हैं स्कूल इज फन, क्योंकि आप स्कूल में सिर्फ पढ़ते नहीं हो, आप स्कूल में हर एक चीज करते हो. इसी तरह से पढ़ाई के साथ साथ आपके बुक पे लिखा है कि जैसे स्कूल्स में पेंटिंग कॉम्पिटिशन होता है उसके लिए आर्ट रूम्स होते हैं. आर्ट रूम्स में जब आप जाते हो तो टीचर जो होती है आपकी टीचर आपको पेंटिंग सिखाती है, ड्राइंग सिखाती है, उसके लिए अलग से आर्ट रूम्स होते हैं. तो इसी तरह से जो दूसरे स्कूल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल वहां पे डांस क्लासेस होती है, वहां पे जो टीचर होता है बच्चों को डांसिंग सिखाते हैं, सिंगिंग सिखाते हैं, इसी तरह से वो क्रिएटिव बन जाते हैं. तो स्कूल में आप सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखते हो, आप बहुत सारी चीजें सीखते हो जिससे आप क्रिएटिव होते हो, आपका माइंड भी क्रिएटिव होता है. तो ये था व्हाट वी डू इन द स्कूल, आप स्कूल में बिसाइड स्टडी क्या करते हो. तो उसके बाद स्पेशल डेज इन स्कूल. तो बच्चों जब आप पढ़ते हो टाइम के साथ साथ हम आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं. जैसे अगर यहाँ पे मैं बता दूँ स्पेशल डेज इन स्कूल, कुछ ऐसे दिन होते हैं हमने जब हम लास्ट ईयर या उससे पहले जब स्कूल आते थे हमारे स्कूल में नाच कंपटीशन होता था, पेंटिंग कंपटीशन होता था. इसी तरह से स्कूल में कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं. तो यहाँ पे आपकी बुक में जो दिया है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है.
इस दिन क्या होता है, स्कूल में प्लांटेशन ड्राइव होती है, सैपलिंग्स आप प्लांट करते हो ताकि वो सैपलिंग जो है बड़े होके बड़े बड़े पेड़ पौधे बन सके। तो ये हम इंटरनेशनल मदर डे एज अ स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं। नंबर सेकेंड इज टीचर्स डे। तो बच्चों आप हर रोज हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हो, उस दिन आप टीचर्स को ग्रीट करते हो, तो वो भी आप एज अ स्पेशल डे स्कूल में सेलिब्रेट करते हो। इसी तरह से हम स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाते हैं, जब साल खत्म होता है आप स्कूल्स में नई नई क्लासेस में चढ़ते हो तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज एनुअल फंक्शन। या इसी तरह से फेयरवेल पार्टीज होती है, जब कोई टीचर स्कूल से निकलता है या कोई टीचर नया आता है या कोई किसी बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसके लिए हम फेयरवेल पार्टीज देते हैं, जो हम एज अ स्पेशल डे स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों ये था स्कूल इज फन, थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको बताया कि हम स्कूल में क्या करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो घर पे जाके आप इस लेसन की रीडिंग करना सो दैट आपको ये अच्छे से ग्रेस्प हो जाए। अल्लाह हाफिज़।